दोस्तों आज हमारे पास है 2023 मॉडल बजाज की पल्सर NS125। 2023 में आपको क्या क्या स्पेक्स मिल जाते हैं, फीचर्स मिल जाते हैं एंड डिटेल से जानने वाले हैं इस बाइक के बारे में। तो सबसे पहले हम इसके प्राइस एंड वेरिएंट की बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको कलर बता देता हूँ। इसमें आपको चार कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला आपको ये ब्लू देखने को मिल जाएगा, दूसरा ग्रे मिलने वाला, तीसरा आपको ऑरेंज मिल जाएगा, चौथा आपको रेड मिलने वाला। मेरा फेवरेट कलर है ये ब्लू कलर एंड ऑरेंज कलर। आप लोग कौन सा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड इसकी एक्सरूम प्राइस की बात की, मुंबई की आपको पड़ने वाले 1,5,600 रुपए के आसपास एंड ऑन रोड ये बाइक आपको पड़ने वाली है 29,900 रुपए। अगर आपको अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, मैं बता दूंगा। तो हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में। सबसे पहले हम फ्रंट से करते हैं स्टार्ट, उसके बाद में देखेंगे क्या चेंजेस हुए नहीं हुए। तो इसकी फ्रंट प्रोफाइल की बात की, आपको हेडलाइट वैसे मिल जाती है जैसे आपको पहले मिलती थी। हेडलाइट हैलोजन आपको मिल जाएगी, यहाँ पे आपको पायलट लैंप मिल जाते हैं जो कि हैलोजन बल्ब रहने वाले हैं। मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो हेडलाइट ऑन करने के लिए आपको एक्चुअली इंजन भी ऑन करना पड़ेगा, तो वो हम ऑन कर लेते हैं। ये रहा ऑन। ऑन होने के बाद हेडलाइट कुछ ऐसे दिखेगी। पायलट लैंप भी ऑन हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत से दिख रहे हैं। हाई बीम आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रहा हाई बीम, लो बीम पासिंग का ऐसे काम करने वाला है। इंडिकेटर ये रहा, आपको हैलोजन बल्ब मिलने वाला है जो कि फ्लेक्सिबल रहेंगे, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर टूटेंगे नहीं। अभी मैं बाइक को ऑफ कर देता हूँ और मैं आपको साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आपको ब्लू कलर का स्टिकर वर्क देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और इसका हैंडल बार आप देख सकते हो सामने से कुछ ऐसे दिखने वाला है। मिरर आपको थोड़े से स्टाइलिश मिलने वाले हैं जो कि थोड़ा स्पोर्टी फील दे रहे हैं। सो ओवरऑल ये रहा इसका फ्रंट का लुक। एंड नीचे आ जाते हैं, नंबर प्लेट यहाँ पर लगने वाला है। मडगार्ड पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश का टच देखने को मिलने वाला है। सो ऐसा कुछ आपको मडगार्ड मिल जाएगा फाइबर वर्क के साथ में। एंड ये रहा इसका सस्पेंशन, आपको फ्रंट में मिलने वाला है टेलीस्कोपिक। और इधर आप देख सकते हो रिफ्लेक्टर आपको मिल जाएगा, दोनों तरफ आपको सस्पेंशन पे रिफ्लेक्टर मिल जाएगा जिसकी वजह से आपको मिल जाती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं रियर के सस्पेंशन के बारे में। रियर का सस्पेंशन आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है जो कि रहने वाला है मोनोशॉक सस्पेंशन। आपको रेड कलर का मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाता है एंड ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और अभी हम फ्रंट में चलते हैं, इनके टायर की बात कर लेते हैं। ये हमारा ब्रांड का आपको ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। साइज आपको मिल जाएगी 80/100 की फ्रंट में। व्हील का डिजाइन आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा आपको मिलने वाला है। 17 इंच डिस्क ब्रेक आपको मिल जाएगा जो कि पेटल डिस्क रहने वाला है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलने वाला है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिलने वाला है। रियर की बात आगे हम करने वाले हैं एकदम अच्छे से। एंड ब्रेक कैलिपर यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड व्हील के ऊपर आपको ब्लू कलर के स्टिकर देखने को मिल जाते हैं जो कि इसके ग्राफिक्स को मैच भी करते हैं। रियर का टायर ये रहा, रियर का टायर भी आपको ट्यूबलेस मिल जाएगा। हमारा ब्रांड का टायर साइज आपको रियर में मिलने वाली है 100/90 का। व्हील साइज आपको 17 इंच मिल जाएगी जैसे आपको पहले मिलता था। स्टिकर यहाँ पे भी आपको मिलने वाले हैं व्हील के ऊपर। और रियर में आपको ड्रम ब्रेक मिल जाएगा। ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिलने वाला है CBS, जैसे बोलते हैं कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर आप रियर का ब्रेक लगाते हो तो आपका अगला ब्रेक लगने वाला है 40-60%, डिपेंड करता है आप किस स्पीड पे हो। ये रहा दोस्तों इसका इंजन काउल, काफी स्पोर्टी टच के साथ में आता है। स्टिकर वर्क यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा एंड कैटलेटिक कन्वर्टर यहाँ पे आपको डिजाइन मिल जाएगा रेडिएटर जैसा, लेकिन कूलिंग सिस्टम आपको एयर कूल मिल जाता है। वहाँ पे आपका हॉर्न रहने वाला है जो कि ये एक्चुअली स्टाइल को मेंटेन करने के लिए दिया गया है। और ये रहा इसका इंजन लेग गार्ड, ऐसे आपको मिल जाएगा एसेसरीज के साथ में। और यहाँ पे आपको किक भी मिल जाती है इस बाइक में। ये रहा आपका ब्रेक पैड, राइडर फुट रेस्ट। अभी इंजन की बात कर लेते हैं। इंजन आपको फुली ब्लैक कलर के साथ में मिलने वाला है। इसके इंजन की बात करें तो आपको मिल जाएगा 124.45 cc का इंजन, जिसमें आपको पावर मिल जाएगी 11.99 PS एट 8500 rpm पे। टॉर्क आपको मिलने वाला 11 Nm एट 7000 rpm पे। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, फोर स्टॉक, फोर वॉल्व, एयर कूल, EFI और साथ में आपको मिल जाता है 5 स्पीड गियरबॉक्स। काफ़ी दमदार आपको इसमें इंजन मिलने वाला है। सो इसकी वजह से आपको परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। और यहाँ पे आपको मिल जाता है नीपैड जो कि रबर फिनिश के साथ में रहने वाला है। एंड यहाँ की बात कर लेते हैं 125 की ब्रांडिंग। ये इसका टैंक और बहुत ही स्पोर्टी टच के साथ में आता है। यहाँ पे आपको यूनिक सा टेक्सचर देखने को मिल जाएगा। ऊपर देखें यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी 3D में, जो कि सबको पसंद आती है। और यहाँ पे आ जाते हैं नेट जैसी डिजाइन यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और ये रहा आपका प्लेयर राइडर फुटर जो कि फोल्डेबल रहने वाला है। सो इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको खाली खाली दिखेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर देते तो और ज़्यादा अच्छा दिखता है एक्चुअली। और ऊपर आ जाते हैं यहाँ पे आपको NS125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। सीट काउल कुछ ऐसा दिखने वाला है। नीचे भी आपको स्टिकर वर्क मिलने वाले हैं जो कि इसके लुक को इनहेंस कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू। राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली, बहुत ही स्लीक डिजाइन के साथ में आती है बाइक। बहुत ही खूबसूरत लग रही है ब्लू कलर में। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सा कलर आप लोगों को अच्छा लगा। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के टेल सेक्शन के बारे में। टेल लाइट की बात करें तो आपको वही टेल लाइट मिल जाती है जो कि आपको पहले मिलती थी। LED टेल लाइट आपको मिलने वाली, ऑन करके दिखा देता हूँ। सो ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी। इंडिकेटर ये रहे इसके, ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखने वाले हैं। हैलोजन बल्ब ये, और नीचे यहाँ पे आए देख सकते हो आपको टायर हगर मिल जाता है जो कि इसके लुक को इनहेंस कर देता है और आपको प्रोटेक्ट भी करने वाला है मिट्टी या पानी के छींटों से। सो ओवरऑल ये बाइक
रियर से कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम चलते हैं इसके लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड का व्यू हम देख लेते हैं। सीट कॉल पे आपको NS125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी जैसे हमने उधर देखा था, और यहाँ पे आपको स्प्लिट गैबरेल मिलने वाले हैं। आ जाते हैं थोड़ा सा हम नीचे, ये वाला पार्ट देखो तो यहाँ पे भी आपको कार्बन फाइबर फिनिश का टच दिया गया है। यहाँ पे आपको की से एक्सेस मिल जाएगा, सीट ओपन कर सकते हो, क्लियर राइडर फुटरेस मिलने वाला है, सारी गार्ड आपको मिल जाएगा, लेडीज फुटरेस नहीं मिलने वाला है, चैन रेप ऐसे कुछ रहने वाली, उसके ऊपर की कवर ऐसे रहने वाली है। आ जाते हैं आगे अभी हम, यार आपका गियर पैड गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 5 मिलने वाले हैं, यहाँ पे दिया गया है, पहले आपका नीचे लगेगा, बाकी के 4 ऊपर लगने वाले हैं। राइडर फुटरेस, साइड स्टैंड एंड डुअल स्टैंड, साथ में आपको मिल जाएगा साइड स्टैंड एंड कटआउट सेंसर, जिसकी वजह से इसकी सेफ्टी इनहेंस हो जाती है। नी पैड इधर भी मिल जाएगा, एंड यहाँ पे आपको मिलने वाला है वो नेट जैसा डिजाइन। दोस्तों यहाँ पे आपको पेट्रोल टी मिलने वाले, मैंने एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, इसमें आपको FI नहीं मिलता, इसमें आपको कार्बोरेटर इंजन मिलने वाला है। सो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो, मतलब फ्यूल आपका, मतलब अगर आप इसमें आप फ्यूल कम भी रखते हो तो रिजर्व करके चला सकते हो, एक प्लस पॉइंट रहेगा, लेकिन माइनस पॉइंट ये है इसकी वजह से आपका माइलेज कम आने वाला है। और ऊपर आ जाते हैं, यहाँ पे आपको पल्सर की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी 3D में, और नेट जैसी डिजाइन जैसे हमने वहाँ पे देखा था, इधर भी आपको 125 की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। लेग गार्ड, ये रहा आपका इंजन काउल, एंड इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है। तो दोस्तों ये रहा इस बाइक के लेफ्ट साइड का फुल व्यू, लेफ्ट साइड से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है जैसे हमने राइट साइड से देखा था, वैसे ही सेम टू सेम बाइक के लेफ्ट साइड से दिखती है, बहुत ही खूबसूरत सी। अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कम्फर्ट एंड फ्यूल टैंक के बारे में। सीट की बात करें तो आपको वैसे मिलने वाले जैसे आपको पहले ही मिलती थी, काफ़ी स्टाइलिश सी, कम्फर्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाएगा प्लेयर राइडर या फिर राइडर को लेके, एंड ऐसे आपको ग्रेबरेन मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको स्टिकर वर्क मिलने वाला है। सो कंफर्ट की बात की, काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिल जाएगा, चाहे आप इस बाइक को सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, जब आप ज़्यादा लॉन्ग राइड करते हो तब पिलियन को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगने वाला, नहीं तो काफ़ी अच्छा कंफर्ट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको टैंक पैड मिल जाएगा और पल्सर की ब्रांडिंग दोनों तरफ आपको मिल जाएगी, ये सब आपको फाइबर वर्क के साथ मिलता है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इस बाइक की। ये रहा आपका फ्यूल कैप जो कि मेटालिक रहने वाला है, और मैं आपको की दिखा देता हूँ। सो ये रही इस बाइक की, आपको 2 की ऐसी मिल जाएगी, और अभी हम ऑन कर लेते हैं। ये रहा इसका मीटर कंसोल, आपको सेमी डिजिटल मिल जाता है, यहाँ पे चेंजेस होने की ज़रूरत है, शायद फ्यूचर में हो सके चेंज हो, एक बार मैं फिर से आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। सो इसमें साइड स्टैंड का इंडिकेटर भी मिल जाता है, टाइम भी बताएगा, यहाँ पे आपका स्पीड बताएगा, एंड ओडोमीटर यहाँ पे बताने वाला है आपका, यहाँ पे आपका फ्यूल का बताएगा, RPM लिमिट इंडिकेटर, बाकी अदर इंडिकेटर यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे आपको सेट रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सो काफ़ी कूल सा मीटर कंसोल मिल जाता है, एंड जितनी की आपको जानकारी होनी चाहिए इस सेगमेंट में उतनी सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाती है। अभी हम इसके हैंडल बार के बारे में बात कर लेते हैं। थ्रॉटल हो गया, ब्रेक लीवर, किल स्विच, सेल्फ का ऑप्शन हो जाएगा, एंड स्प्लिट रेसिंग हैंडल बार आपको इसमें मिलने वाला है। इधर की बात करें, आप अपर डिपर या अपर इंडिकेटर, हॉर्न हो गया, काफ़ी लाउड हॉर्न है, एंड क्लच लीवर आपको मिल जाएगा, पासिंग का यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलने वाला है, एंड मिरर का भी आपको कुछ ऐसे मिलने वाला, अच्छी खासी विजिबिलिटी आपको मिल जाएगी इससे भी। डायमेंशन की बात करें, इसकी हाइट है 1778 mm, लेंथ है 2012 mm, विड्थ है 810 mm, और इसका सेटल हाइट आपको मिलने वाला 805 mm, ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिल जाएगा 179 mm का, व्हील बेस है 1353 mm, और इसका वेट आपको मिलने वाला 144 kg के आसपास। तो दोस्तों आप लोग जाना 2023 मॉडल बजाज की पल्सर NS125 के बारे में, इसके चेंजेस की बात करें कोई भी चेंजेस नहीं हुए, जैसे पहले बाइक आती थी वैसे ही आने वाली है। यही मॉडल आपको 2023 में मिलने वाला, अगर इसमें कुछ चेंजेस होते हैं, अपडेट होते हैं, तो उसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, और अगर आपको अपने स्टेट का ऑन रोड प्राइस जानना हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।